ईश्वर ही है और है कौन। ए टू जेड रिश्तों में आपको माफ़ी मांगनी है, ए टू जेड रिश्ते। तो ए टू जेड क्यों रखा गया है, क्योंकि रिकॉल करना आसान होगा। लोग जब बैठते हैं ना क्षमा मांगने के लिए, और किससे मांगूं, रिकॉल नहीं होता ना। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ए टू जेड सभी लकीरें मिटानी है, ए टू जेड शुरुआत तो करें हम। तो शुरुआत करने के लिए ए टू जेड रिश्तों में आपको माफ़ी मांगनी है, ए टू जेड रिश्ते। तो ए टू जेड क्यों रखा गया है, क्योंकि रिकॉल करना आसान होगा। लोग जब बैठते हैं ना क्षमा मांगने के लिए, और किससे मांगूं, रिकॉल नहीं होता ना, और किससे मांगूं। तो ए टू जेड के साथ हम ये करने वाले हैं, ए टू जेड में सारे रिश्ते। उसमें हम जैसे ए कहेंगे तो हमें याद आएगा, ए के साथ क्या याद आएगा कि आंटी। तो ये जो आंटी है आपको याद आएगा, लोग बोलते हैं ना फलां जो है देहरादून वाली आंटी, फलां जगह वाली, वो जो यूके गई है वो वाली आंटी या अंकल जैसे। तो ए पर आंटी है, यू पर अंकल है, तो उसमें तो बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं ना। अंकल आंटी के साथ मौसी भी आ गई, अलग अलग रिश्ते जैसे आ जाते हैं। तो ए याद आते ही आपको फिर इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनसे आप क्षमा मांगोगे, देखोगे कि क्या लकीरें बंधी रहेगी उन लोगों के साथ। तो बी कहा तो क्या याद आएगा आपको, भाई बहन, आपके जो भी भाई बहन हैं, तो किसी को एक भाई है, किसी को दो भाई है, तो देख लेगा एक बहन है दो बहनें हैं। सी है तो क्या याद आएगा, कज़िन, चुलत बाऊ बोलते ना। डी कहा तो डैडी है, तो सभी आंख बंद करेंगे पूर्व तैयारी करते हुए कि अब मैं सारी लकीरें मिटाना चाहता हूँ, इस तरह से मिटाऊँ ताकि आगे ये लकीरें मुझे न खींचें, हल्का हो जाऊँ, फ्री होकर मुक्त होकर कर्म अभिव्यक्ति करूँ, ऐसा कर्म जो आकाश में खिंची हुई लकीर है। ई कहेंगे तो EMSY। अब EMSY में समझना, EMSY यानी अर्थ, अर्थ के लिए कहा गया। इकोलॉजिकली हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आती है जिसमें घर जो है सबसे मुख्य है, क्योंकि आप रिश्तों के साथ कार्य करने वाले हैं, तो घर जो है वो EMSY में पकड़ेंगे इस वक्त, क्योंकि रिश्तों की बात चल रही है। कि जिस घर में आप रहते हो आपके चीख पुकार से, आपके दुख से वहाँ की वाइब्रेशन अशांत होती रही है, जब भी हुई है उसके लिए आप क्षमा मांगने वाले हो। EMSY का सभी ने सुना होगा, जब कोई चीज़ खो जाती है आपकी तो हम उसके EMSY को बुलाते हैं। EMSY को बुलाकर कि तुम कहाँ पर, उसको हम पूरा कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप देखते हो वो चीज़ जल्दी आपके सामने प्रकट होती है। ये तो आपने प्रयोग किया ही है। इसका अर्थ है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जो हमें चीज़ें जड़ लगती हैं उनमें भी तरंग है, खाली वो ऐसी तरंग है जो हमें ठोस दिखवाती हैं कि ये तो ठोस चीज़ है, ये हिलती जुलती नहीं है, ये ऐसी पड़ी रहती है, मगर उसके अंदर भी वाइब्रेशन है।
उसमें भी बदलाव है, कम्युनिकेशन उन पर भी काम करती है। आपके टूल्स आपके लिए अच्छा काम करते हैं अगर आप उनको प्यार से छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पर्सन वही टूल लेता है, उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, टूट जाती है या उसको चुभ जाती है, लग जाती है, फिर वो कंप्लेन करता है कैसी है तुम्हारी पकड़, कैसी तुम्हारी कटर, कैसा तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर, कैसा तुम्हारा चूल्हा, इस पर तो काम ही नहीं होता ठीक से, गैस ऑन करते बुझ जाता है, ये होता है वो होता है, क्योंकि आपको मालूम है कितना प्रेशर देना, आपका छूना उस चीज़ को महसूस होता है, वाइब्रेशन मैच हो गई है, सुरमेल है वहाँ पर, इसलिए आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है। फिर भी कुछ लोगों को ये हैबिट नहीं होती, अपनी चीज़ों को भी वो रफली यूज़ करते रहते, उनकी चीज़ें गिरते पड़ती रहती है इधर उधर, तो वहाँ पर भी सजगता आए। आइए ग्रहणशील होते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रख कर क्षमा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। अब तक जो सुना, संपूर्ण क्षमा प्रार्थना करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए, ए बी सी डी क्षमा साधना की सीख लेनी है। जो भी लकीरें बनी हैं जाने अहंकार में, अनजाने अज्ञान में, उन लकीरों को, लगान की रस्सियों को काट देना है, क्षमा के डस्टर से साफ कर देना है, इंसाफ के ईश्वर की मदद से इन साफ करना है, अंदर साफ तो बाहर इंसाफ, पवित्रता का गुण शरीर में लाने के लिए, ताकि यह शरीर मोबिलाइजेशन के लिए स्व में स्थापित होने के लिए मदद करे। रोज सफाई करनी है, संपूर्ण स्नान करना जरूरी है, तो आप भी इस उद्देश्य से बैठे हैं, गुरु को साक्षी रखकर अपने उन रिश्तेदारों को सामने लाकर एक एक से मन ही मन में क्षमा याचना करेंगे। आई आंटी जो भी किरदार, भाई पिताजी डैडी, उन्हें सामने लाकर जो जो अपशब्द कपट हुआ है उसके लिए क्षमा मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बुद्ध करने के लिए क्षमा मांगने वाले हैं। उद्देश्य सबको क्लियर होना चाहिए ताकि इस साधना में कोई भी कंजूसी न करें, इस साधना में कोई भी बिना दिल के कार्य न करें, 100% पार्टिसिपेट करें और पूरा डूब कर, हाथ जोड़कर, जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उस मुद्रा में क्षमा याचना करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इस तरह की कुछ बातें हुई,
उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ और आगे वैसी बातें न हों इसकी सजगता मैं रखने वाला हूँ। कृपया मुझे सहयोग करें, बड़े हैं तो कहें आशीर्वाद दें, इसमें मैं सफल हो पाऊँ और हम सब मिलजुल कर प्रेम आनंद मौन से जिए। इस तरह एक एक से ए बी सी डी से क्षमा याचना कर लेंगे और फिर इकाई से यानी इंसाफ के ईश्वर से अपनी अर्ध बेहोशी के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह क्षमा प्रार्थना करने के बाद आगे ई एफ जी एच उनके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। वर्णमाला से ये आपके लिए आसान हो सके इसलिए इस तरह आपको बताया जा रहा है। तो सभी इसी भाव में शुरुआत करेंगे। सूचना आपको आगे की मिले न मिले, आप ए से रिलेटेड सारे लोग एक एक करके सामने लाते जाएंगे, जैसे बताया गया वैसे क्षमा मांगते जाएंगे और फिर अगले अल्फाबेट पर जाकर वह कार्य करेंगे। आंखें बंद रहें, ध्यान चलता रहे, सफाई चलती रहे। क्षमा प्रार्थना साधना करने के बाद ए बी सी डी रिश्तेदारों से क्षमा मांग कर कैसे फील हो रहा है महसूस करें, स्वयं को बताएं। आगे जाने से पहले सबको धन्यवाद दें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।